हेलो स्टूडेंट, सर्वोदय नमस्कार। आज आपका क्लास फाइव एक्सरसाइज 5.4 आज हम चलेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको मैं पहले ही बताया हुआ है कि हमारा लाइव क्लासेस जो जूम ऐप पर चल रहा है वो आपका कंटिन्यू है, तो कृपया कर आपको भी लाइव क्लास में ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आएँ, जिससे कि हमें बताने में भी आपको अच्छा लगे, हमें भी मोटिवेशन मिले। तो फ्रेंड्स, आप सभी लाइव क्लास में आएँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 में है पहला जो है क्वेश्चन, जो है फिल इन द ब्लैंक क्या है, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक में आप देख रहे हो कि आपको ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल का साइन यूज करना है। क्या करना है, ग्रेटर स्मॉलर और आपको ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल का साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3/5 है, ब्रैकेट दिया हुआ है 4/7। ओके सर, तो 3/5 ब्रैकेट 4/7, तो इनमें आपको पता करना है कि कौन बड़ा है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ क्या करोगे वो समझो। आप सीधे तौर पर 7 × क्या करोगे 3 और 5 × क्या करोगे 4। तो 7 × 3 देखिए कितना होगा 21 और 5 × 4 देखिए कितना होगा 20। मतलब बड़ा कौन हो जाएगा जी, 21 ये वाला है और ये कितना है 20। तो बड़ा कौन है 21 इसलिए ये हो। ठीक है, उसी प्रकार मेरे पास क्वेश्चन है 9/ क्या होता है। चलिए क्वेश्चन है मेरे पास 8/11, 8/11 ब्रैकेट 12/ कितना 25। तो यहाँ देखा जाए तो 25 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 200, और 11 से करेंगे ये कितना होगा जी 1 3 2। तो बड़ा कौन हो गया जी, तो बड़ा हमारे पास आ गया 212, तो ये बड़ा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर लिखा जाए 3/9 और यहाँ पर आपको लिखा जाए क्या 6 × 2 = 6 दोनों बराबर हो गए ना, तो बराबर हो गए। ठीक है, ओके सर, तो यहां देखिए आपका क्या है 18/34 ब्रैकेट 18/34, यहां भी सेम हो गया, ये क्या आ जाएगा आपका बराबर, इक्वल का साइन आपका ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कंपेयर द फ्लोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन बाय मेकिंग डेनोमिनेटर इक्वल, डेनोमिनेटर को क्या करना है जी इक्वल करना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डेनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए 7/12 एंड क्या है जी 16/25, यहां से क्या करेंगे इसमें एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम और 12 and 25। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एलसीएम 300। तो यहाँ से देखेंगे 7/12, 7 को किसे मल्टीप्लाई कर दें 25 से, और 12 से को 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा जी 175/300। देखिए 300 इक्वल में आएगा। अब यहाँ भी क्या करेंगे 16/25 है, 16 × कितना करेंगे 12 और 25 × 12। यहाँ देखा जाए स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा मेरे पास 192/300। तो इन दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है आपको, तो यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट कि 192 आपका बड़ा हो गया इसे 175/8।
प्रकार क्वेश्चन और इसी में देखे रहे। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब फोर्थ में, क्या है 11/18 एंड 17/36। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम ऑफ 18 एंड 36 क्या होगा जी, 36 हो जाएगा। 11 बाय क्या होगा 18, 18 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 11 × 2 और 18 × 2 मतलब कितना हो जाएगा 12/36। क्या करेंगे 17/36, 17 × 1 कर देंगे और 36 × 1 कर देंगे मतलब कितना आएगा 17/36। बड़ा को मान लेते हैं 22/36 ग्रेटर दैन 17/36। यहां सब समझ रहे हो स्टूडेंट, ये इसी तरीके से आप क्या करोगे क्वेश्चन को बनाओगे। क्वेश्चन नंबर टू सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डेनोमिनेटर को इक्वल करना है, किसमें करना है डेनोमिनेटर, तो 12 और 25 के असम लिए 300, यहाँ 18 और 36 के लिए 36, तो इसलिए नीचे वाले को क्या करेंगे, नीचे वाले को इक्वल करेंगे। ओके
30 and 8 by 70. Second question लेते हैं 11 by 80 and 23 by 50. यहाँ से हम क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. क्या करता है क्रॉस मल्टीप्लाई. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और ये क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 by 30 10 by 70 ये इसे करेंगे और ये इसे करेंगे 70 लेंगे 153 और ये 150 बड़ा कौन होगा 153 तो ये 9 by 30 क्या होगा आपका ग्रेटर देन होगा इसे 10 by 70 से. ठीक है उसी पर यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं by 18 33 by 55 अब इसे पर दें तो क्या होगा मेरे पास 565 और ये होगा 594 बड़ा कौन हो गया ये वाला बड़ा हो गया इसका मतलब क्या होगा 11 by 18 is smaller than 33 by 55 ना? तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं. तो इस तरीके से आपने समझ लिया होगा क्वेश्चन नंबर 4 तक. अगर फिर भी अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको बोलता हूं कि प्लीज लाइव क्लास में आए. लाइव क्लास में आपको अच्छे से और भी सही तरीके से समझ में आएगा. ओके स्टूडेंट मिलते हैं फिर अपने लाइव क्लास में और नेक्स्ट वीडियो. ओके धन्यवाद सर. नमस्कार.